गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहित अरोड़ा एंड टुडे वी आर डिस्कस सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट हमने बात की थी, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट कौन कौन से थे? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों हमारे क्या थे? ये तीनों ही हमारे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट थे। ओके, तो आज इनकी अपने बात कर लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम हैज़ ए मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल, प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसके फॉर्मेशन में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। किसका? कैल्शियम का। नेक्स्ट आ जाते हैं मेम्ब्रेन एंड इट्स प्लास्टिसिटी। ये हो गया इफेक्टिव नॉर्मल सेल डिवीजन बाय मेंटेनिंग सेल इंटीग्रिटी एंड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ठीक है, नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है और उसकी इंटीग्रिटी, जो उसकी सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली जो मेम्ब्रेन है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, और परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तुम सब जानते हो, बायो तुम सब ने पढ़ी है। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि कोशिका झिल्ली से जो लिक्विड है वो पार जा सके, उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। तो उसको मेंटेन करने के लिए कैल्शियम क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट है कैल्शियम इज एन एक्टिवेटर ऑफ सेवरल एंजाइम सिस्टम इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन सिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर में इसका इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम का। कैल्शियम कंबाइन विद आयंस इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक एसिड, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम क्या है? ऑर्गेनिक एसिड को जो प्रमोट करेंगे, बनाता है, और सल्फेट्स को और फॉस्फेट को, इसके कॉम्बिनेशन में ये इफेक्टिव है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। इट एक्ट एज ए डिटॉक्सीफाई एजेंट बाय न्यूट्रलाइज ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जो भी हमारे एजेंट है, डिटॉक्सीफाइड एजेंट है, उनसे क्या करता है? ऑर्गेनिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का वर्क करता है। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। ओके, थर्ड क्या है? कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर सीड प्रोडक्शन इन पीनट। कैल्शियम क्या है? एसेंशियल रोल है किसका? पीनट के अंदर। पीनट मतलब ग्राउंडनट में। देखो, ग्राउंडनट में अंदर कैल्शियम देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ग्राउंडनट के अंदर कैल्शियम नहीं दिया तो होगा क्या? जो ग्राउंडनट की जो फली है वो खाली रह जाएगी। ठीक है, वो क्या है? खाली रह जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आज अपने। नेक्स्ट है अपना कैल्शियम, लास्ट पॉइंट है कैल्शियम इनडायरेक्टली असिस्ट इन इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड बाय रिड्यूसिंग सोयल एसिडिटी व्हेन सोयल आर लिमिटेड। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है? इनडायरेक्टली असिस्ट करता है, क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करता है और सोयल एसिडिटी को रिड्यूस करता है। जनरली अपने देखो, सोयल अगर एसिडिक है तो अपने उसके अंदर किसका यूज़ करते हैं? लाइम का। ठीक है, और लाइम क्या करता है? लाइम के अंदर कैल्शियम होता है जो एसिडिटी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एसिडिटी को रिड्यूस कर देता है व्हेन सोयल आर लाइम्ड। ठीक है, जब उसके अंदर चूना डाला जाता है। तो ये अपने फिफ्थ पॉइंट, फाइव पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में या तो आपसे टू पॉइंट पूछेगा या थ्री पॉइंट पूछेगा। ठीक है, फाइव पॉइंट अभी तक नहीं पूछा है कभी भी एग्ज़ाम में, थ्री या फोर, थ्री पॉइंट लास्ट पूछते हैं। तो तुम्हें इसके अंदर कम से कम थ्री पॉइंट तो अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने डेफिशिएंसी के। पुअर ग्रोथ, पुअर रूट ग्रोथ। पुअर रूट ग्रोथ का मतलब है रूट की कम ग्रोथ होना। कैल्शियम डेफिशिएंट रूट ऑफन टर्न ब्लैक एंड रोट। ठीक है, एक डिजीज होता है रूट रोट, रूट रोट डिजीज होता है। उससे होता क्या है? जो रूट है प्लांट की वो गल जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं रूट रोट। वो किसके कारण होता है? वो होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी से। और अगर ब्लैक है, मान लो रूट ब्लैक हो रही है, तो उसका भी क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि जो सोयल है वो, उस सोयल के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है। ओके, सेकंड पॉइंट की अपने बात कर लेते हैं। फेलियर ऑफ टर्मिनल बड ऑफ शूट एंड एपिकल टिप ऑफ रूट टू डेवलप कॉजिंग प्लांट ग्रोथ टू सीज। ठीक है, जो टर्मिनल बर्ड है उसकी जो शूट है उसका क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा, टिप्स ऑफ रूट क्या है? डेवलप कर लेंगे। ठीक है, डेवलप नहीं हो पाती। थर्ड पॉइंट है मोस्ट ऑफन अक्योर इन वेरी एसिड सोयल वेयर कैल्शियम लेवल आर लो। अगर बहुत ज़्यादा एसिड सोयल है तो वहाँ कैल्शियम लेवल क्या होगा? लो होगा। क्योंकि देखो, कैल्शियम 6.5 पीएच पर सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है, ध्यान रखना 6.5 पीएच पर कैल्शियम सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। और अगर सोयल ज़्यादा एसिडिक है तो उसके अंदर कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम का लेवल लो होगा। ओके, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अदर डिफिशियंसी इफेक्ट सच एज हाई एसिडिटी यूजली लिमिटेड ग्रोथ बिफोर कैल्शियम डिफिशियंसी अपेयरेंस। ठीक है, अदर डिफिशियंसी, अदर न्यूट्रिएंट की भी कमी हो जाती है। अगर कैल्शियम कम होगा ना तो याद रखना उसके अंदर मैग्नीशियम, मैग्नीज भी कम होने लग जाएगा, तो अदर सारे जो न्यूट्रिएंट है वो भी कम होने लग जाएंगे। ठीक है, टॉक्सिसिटी इसका करना नहीं है, इसको कट कर देना। नेक्स्ट मैग्नीशियम की अपने बात कर लेते हैं।
तो प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, प्राइमरी कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल क्या काम करता है, जो ग्रीनरी होती है प्लांट की वो क्लोरोफिल के कारण होती है, जिससे फोटोसिंथेसिस हो पाता है। तो क्लोरोफिल का ये प्राइमरी कंपोनेंट है मैग्नीशियम, एंड इज देयर फॉर एक्टिवली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। और ये क्या है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका, राइबोसोम का ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जो राइबोसोम है वो क्या करता है, जनरली वो जरूरी होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो उसके फॉर्मेशन के लिए भी ये एसेंशियल है मैग्नीशियम। इन्वॉल्व इन फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर उसका जो इन्वॉल्वमेंट है फॉस्फेट का मेटाबॉलिज्म करना, या प्लांट का रेस्पिरेशन है, या एंजाइम एक्टिवेशन है, उसके अंदर भी ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। इसकी नेक्स्ट बात करते हैं अपने, नेक्स्ट नहीं है, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, लीव शो ए येलोइश ब्रोंच, ब्रोंची कलर हो जाता है, ब्रोंच कलर याद रखना, ब्रोंची कलर हो जाता है येलोइश और रेडिश कलर दिखने लग जाता है। लीफ बीन, बीन का मतलब क्या होता है, टहनी, जो उसकी डाली जो है, लीफ बीन रिमेन ग्रीन। ठीक है, लीफ बीन रिमेन ग्रीन रहेगी मतलब क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। लीफ ग्रीन का मतलब ये लीव है, ठीक है, उसके बीच वाली ये जो वेन्स है ये तो रहेगी ग्रीन, और इसके जो साइड वाला पार्ट है लीव्स का वो क्या हो जाएगा, येलोइश ब्रोंचीज हो जाएगा। बीच वाला पार्ट क्या रहेगा, बीच वाला पार्ट ग्रीन ही रहेगा और साइड वाला पार्ट क्या है, येलोइश हो जाएगा। ये था अपना कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सल्फर की, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टेन सिस्टेन मिथियोनिन। ये क्या है, अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड है विच आर एसेंशियल, जो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है, उसके लिए, उनके लिए, उनके बनने के लिए या उनके वर्क के लिए, उनके सिंथेसिस के लिए सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और इन्वॉल्वमेंट किसके अंदर है, डेवलपमेंट ऑफ एंजाइम एंड विटामिन, एंजाइम और विटामिन का डेवलपमेंट के लिए सल्फर एसेंशियल है। प्रमोशन ऑफ नेड्यूल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूम्स, और लेग्यूम्स जो बनती हैं पल्सेस क्रॉप के अंदर, जनरली लेग्यूम्स बनती है, तो उनके नोड्यूल बनते हैं रूट के अंदर, जैसे ये रूट है तो इसके रूट के अंदर ये नोड्यूल बनेंगी छोटी छोटी, जिसके अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, तो उसके फॉर्मेशन के लिए भी सल्फर एसेंशियल होता है। नेक्स्ट है सीड प्रोडक्शन, क्लोरोफिल फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन, सीड प्रोडक्शन कब होगा, जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, तो उसके लिए सल्फर एसेंशियल है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑड्यूर टू गार्लिक, गार्लिक के अंदर जो तीखापन आता है वो किसके कारण आता है, सल्फर के कारण। ठीक है, अगर सल्फर की डेफिशिएंसी होगी तो जो लहसुन है वो तीखा नहीं होगा, ठीक है, मस्टर्ड में, ऑनियन, इन तीनों के अंदर। इट इज़ इंक्रीज ऑयल कंटेंट इन ऑयल क्रॉप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, जितनी भी ऑयल क्रॉप हैं चाहे वो ग्राउंड नट हो, सरसों हो, उस सल्फर क्या करता है, ऑयल बढ़ाता है, ऑयल इंक्रीज कर देता है क्रॉप के अंदर। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्लोरोसिस ऑफ द लॉन्गर लीव। 2 साल पहले CBSE में क्वेश्चन आया था, सिंपल ये लिखा हुआ था, क्लोरोसिस बताना था, क्लोरोसिस होता क्या है, क्लोरोसिस होता है न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से अपर लीव जो है वो येलो पड़ जाती है, उसको बोलते हैं क्लोरोसिस। ठीक है, सल्फर की डेफिशिएंसी से ये होता है, और फास्फोरस की, ठीक है, याद रखना। इफ़ डेफिशिएंसी इज सेवर इंटायर प्लांट कैन बी क्लोरोटिक एंड स्टंड, अगर इसकी सल्फर की डेफिशिएंसी है तो पूरा प्लांट क्या होगा, क्लोरोटिक मतलब पीला पड़ने लग जाएगा, और स्टंट यानी रुक जाएगी उसकी ग्रोथ। सिम्टम रिसेंबल दोज ऑफ नाइट्रोजन फिक्स डेफिशिएंसी कैन लीड टू इनकरेक्ट डायग्नोस्टिक। ठीक है, इसकी जब डेफिशिएंसी होती है ऐसे लगता है कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट येलो पड़ता है, और सल्फर की डेफिशिएंसी होती है तब भी प्लांट येलो ही होता है, तो ये थोड़ा चक्कर पड़ जाता है, तो इसको डायग्नोस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डायग्नोस्ट किया जा सकता है उससे, क्योंकि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो नीचे वाली पत्तियां जो है वो येलो होती हैं, और सल्फर की कमी हो तो अपर लीव जो हैं वो येलो होती हैं। ठीक है, तो आज हमारे तीनों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हुए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, और सल्फर, ये तीनों हो गए अपने, ठीक है, अपने प्राइमरी हो गए हैं, सेकेंडरी हो गए, कल अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट में जाकर दे सकते हो, या अपने स्कूल का जो ऐप है उसमें फीडबैक में जाकर दे सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में दे देना, मैं हाथों हाथ जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।